एक जुलाई से बीमा से जुड़े कई नियम जो है बदलने जा रहे हैं। जी हाँ, नए नियम लागू होंगे। IRDAI ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश भी दे दिया है कि इसके लिए तैयारियां कर लें। नए नियमों में अब पॉलिसी धारकों को सभी जानकारियां SMS और ईमेल के जरिए मिलना शुरू हो जाएगी। नया नियम लागू होने के साथ ही क्लेम सेटलमेंट के लिए ट्रैकिंग प्रक्रिया तैयार करनी होगी। पॉलिसी डॉक्यूमेंट की भाषा समझने में बीमा धारकों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए बीमा कंपनियों को भाषा सरल करनी होगी। तो 1 जुलाई से बीमा के नए नियम लागू हो जाएंगे। तो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं जॉयदीप के रॉय। जॉयदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 1 जुलाई से ये जो बीमा के नए नियम लागू होने जा रहे हैं, इनसे कैसे जो है बीमा धारकों की मुश्किलें आसान होने जा रही हैं? नमस्कार। ये जो नए नियम की आप बात कर रहे हैं, वैसे कुछ ज्यादा नए नहीं है, इसमें कुछ क्लियरली मेंशन किया गया है। पहले ये तो एक्सपेक्टेशन ही थी कि हर इंश्योरेंस कंपनी को अपने कस्टमर्स को अच्छी तरह सही इंफॉर्मेशन ठीक टाइम पर दिया जाना चाहिए। ये कई कई बार कई रेगुलेशंस कई सर्कुलर के तौर आए हैं सामने, लेकिन अभी क्या है, सब कुछ एक जगह करके पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन एक्ट के मुताबिक इसको अच्छी तरह सामने दर्शाया गया है कि लाइफ हो, जनरल हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, TPA का के साथ हो, या क्लेम्स हो, या पॉलिसी का की जानकारी हो, सब कुछ अच्छी तरह सबको समझाना चाहिए। और लैंग्वेज का भी इसमें जिक्र किया गया है कि लैंग्वेज सिर्फ इंग्लिश हिंदी नहीं, अपनी जो जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें होना चाहिए और सीधी लैंग्वेज में होना चाहिए, वो लीगल लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक दो खामियां रह गई, क्योंकि आज 2019 है, अभी सभी लोगों के पास मोबाइल फोन है, ज्यादातर लोगों के पास ईमेल आईडी भी हुआ करता है। तो जो रेगुलेटर ने जो कहा है कि सब कुछ SMS हो, मोबाइल के थ्रू हो, ईमेल में जानकारी देनी दी जानी चाहिए, लेकिन इसके साथ ये भी कहा गया है कि लोगों को के पास से मोबाइल नंबर और ईमेल वो मैंडेटरी नहीं हो सकता है, नहीं किया जा सकता है, वो वॉलंटरी रहेगा। ये बहुत बड़ी गैप रह गई, क्योंकि आज के दिन में जितने सारे पॉलिसीज जैसे लैप्स भी होती है, प्रीमियम कलेक्शन नहीं होता है, डिसकंटिन्यू होता है, उसमें एक बड़ी चीज है जो है कनेक्शन नहीं होता कंपनी से। अगर लोग अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी अच्छी तरह देखे ना रखे तो अगर ये वॉलंटरी रहे, मतलब किया जा सकता है, नहीं देखा जा सकता, देन पॉलिसी लेने के टाइम पे लोग ज्यादातर देंगे नहीं। और उसके ऊपर अगर इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको हर वक्त जानकारी देना SMS के थ्रू और ईमेल के थ्रू क्लेम का हर स्टेज, ये तो संभव नहीं होगा। 30-40% ऑफ पीपल कोच देते नहीं है आज के दिन में। तो मेरे ख्याल से इसको मैंडेटरी किया जा सकता था ताकि पूरा चीज एकदम परफेक्टली काम करे। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया जॉयदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जॉयदीप के रॉय जो कि लीडर है इंश्योरेंस बिजनेस PwC के, ये बता रहे थे कि कहीं ना कहीं जो ग्राहक है उनके लिए आसानी बढ़ जाएगी, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा में उनको आसान भाषा में जब जानकारी बीमा से जुड़ी हुई तमाम मिलेंगी, तो ये दिक्कतें जो हैं ग्राहकों को अब तक जितनी होती आई हैं वो कम से कम कम हो जाएंगी।